हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी अभी घूमर नाम का ट्रेलर देखा। अभिषेक बच्चन और सियामी खेर लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं। घूमर एक वर्ड में अगर बताया जाए तो इसका जो स्टोरी टेलिंग है, इसका जो आपका स्क्रिप्ट है, एंटायरली डिफरेंट देन द अदर मूवीज ऑफ अभिषेक बच्चन। आई थिंक अभिषेक बच्चन पहली बार इतनी अच्छी मूवी का स्टोरी स्क्रिप्ट जो है वो चुना है इसने, क्योंकि जितना भी ट्रेलर में दिखाया है, जो स्टोरी है, एक अपाहिज लड़की का स्टोरी है जिसका एक हाथ नहीं रहता है एंड शी विल प्ले क्रिकेट। तो एक कैसा बनता है वो, क्या क्या मतलब तकलीफ़ों को सामना करती है और किस लेवल पे जाके वो खेलती है क्रिकेट, और उसको मोटिवेट करके उसको एक प्लेयर बनाने वाला कोच होता है अभिषेक बच्चन। तो ये स्टोरी है घूमर का। नाम भी सही सेट किया है, घूमर। एंड घूमर इसलिए इस मूवी का टाइटल दिया है क्योंकि इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर की जो लीड रोल प्ले कर रही है सिमी खेर, उसने ये रोल प्ले किया एंड शी विल बी द बॉलर। इसलिए टाइटल का नाम जो दिया है घूमर, क्योंकि शी विल बी बॉलर। एंड बॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए, जो उन्होंने एक लोगो और नाम सही एप्ट वाला टाइटल है और एप्ट वाला लोगो भी दिया है उसमें। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं आर बाल्की, जिन्होंने काफ़ी सारे मूवीज़ पहले डायरेक्ट कर चुके हैं, अच्छे अच्छे मूवीज़। और उनकी मूवीज जितनी भी हैं उन्होंने डायरेक्ट किया, सब एक दूसरे से हटके हैं मूवियाँ। कोई भी एक लाइक यू नो ओके नॉर्मल कमर्शियल मूवी है ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। मूवी पहले चिनी कम, अमिताभ बच्चन जी ने जो प्ले किया था, सुपर डुपर हिट था, पा उनका ही डायरेक्शन पे बनी है। और अभी ये, इसके बाद फिर इससे पहले धनुष और अमिताभ बच्चन जी का एक मूवी बनाया था, वो भी उन्हीं का डायरेक्शन पे। काफ़ी अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट और काफ़ी अच्छा अच्छा स्टोरी को लेके आए हैं, नया स्टोरी को लेके आके स्क्रीन पे उतारा है उन्होंने। बट डायरेक्टर एज अ सॉलिड डायरेक्टर है, ब्रिलियंट डायरेक्टर है और एक अच्छा स्टोरी टेलर भी है आर बाल्की साहब। और इस मूवी को देखते हुए, ट्रेलर को देखते हुए ये लगता है कि दिस मूवी विल बी द वन ऑफ द बेस्ट वन इन अभिषेक बच्चन कैरियर, क्योंकि इतने सालों से अभिषेक बच्चन मूवीज़ बना रहे हैं। हाँ, जैसे कि पिछले मूवीज़ जितनी भी हैं उनकी उतनी अच्छी तरीके से चली नहीं है, बट कुछ कुछ मूवीज बहुत अच्छे चली हैं और उन्होंने जो कैरेक्टर मतलब पोर्ट्रे किया है पिछले मूवीज़ में भी, एक्टिंग अच्छा करता है बट मूवी उनको चुनना नहीं आता है। अभिषेक बच्चन को मूवी चुनना नहीं आता है क्योंकि उसके बाद जितने भी आए हैं हीरो सभी सुपरस्टार हो चुके हैं। रणवीर सिंह को देख लो, सुपरस्टार है। वरुण धवन को देख लो, अच्छा खासा मूवी बनाते जा रहा है बनाते जा रहा है। बट आई डोंट नो अभिषेक बच्चन को क्या है कि पता ही नहीं। एक्टर अच्छा है, ही एक्ट्स वेरी वेल, सेंसिबल एक्टिंग है उनका। बट मूवी जो भी वो सेलेक्ट करते हैं सब इधर उधर की मूवी सेलेक्ट करते हैं, जो कि स्टोरी में दम नहीं है या फिर डायरेक्टर में दम नहीं है, ऐसे ही कुछ है। और इतना अच्छा कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं, कितने भी सीरियल्स रोल्स देख लो, जितने भी एक मीनिंगफुल रोल्स में इसको देखो, बहुत ही सही एक्ट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। और इस घूमर पिक्चर में भी जो ट्रेलर दिखाया है, जितने भी ट्रेलर उन्होंने दिखाया है, ब्रिलियंट उनका एक्टिंग लग रहा है। और वैसे ही उनका जो स्किल्स इस घूमर मूवी में आपको देखने मिलेगा अभिषेक बच्चन का, दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट फॉर अभिषेक बच्चन कैरियर, ये पक्का है, देख लो। और ये मूवी में जो साइमी है जो प्ले कर रही है, बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आई है। इस एक एक सीन को जिन्होंने दिखाया है ट्रेलर में, ब्रिलियंटली उन्होंने शोकेस किया है इस ट्रेलर के साथ इस स्क्रीन पे, क्योंकि इतना मेहनत करने दिखता है, मेहनत दिखता है उसमें। क्योंकि जितना भी उसने ट्रेलर में दिखाया है, हर एक चीज़ बारीकी से नज़र आते हुए, हर एक चीज़ बारीकी को दिखाया है इसमें, कि इसमें कितना मेहनत लगा। और एक हाथ बिना हाथ, एक हाथ के और क्रिकेट खेलना और बॉलिंग करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क, लाइक इट्स अ मल्टी टास्किंग गेम। और इसमें कितना मेहनत लगता है और एक फोर्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बॉलर के लिए। तो ये चीज़ पूरा इस घूमर ट्रेलर में दिखाया। और ये मूवी विल बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन अभिषेक बच्चन कैरियर एंड ऑल्सो विद द बॉलीवुड इंडस्ट्री। ये मूवी जब रिलीज होगी, आप सब सिनेमा थिएटर में जाओ, देखो, अप्रिशिएट करो, क्योंकि दिस विल बी द वुमेन्स एम्पावरमेंट मूवी।
और ये स्टैंड होगी समथिंग इन नेक्स्ट लेवल दिस मूवी, इतना तक तो मैं श्योर शॉट कर सकता हूँ। और ये मूवी सब थिएटर में जाओ, देखो, एंजॉय करो, अप्रिशिएट करो ऐसे मूवी को, ताकि ऐसे मूवीज बहुत बन सके और लोगों को अप्रिशिएट करेंगे ही, तो ऐसी मूवीज बहुत ज़्यादा आगे चल के निकल के आएंगी, ताकि रियल लाइफ स्टोरीज को इंस्पायर कर सके दूसरे लोगों को देख के। वॉच इन थिएटर्स, आई होप दिस मूवी विल डू वेल, एंड वी आई विल कम बैक विद दैट मूवी रिव्यू आफ्टर आई वॉच दिस मूवी इन सिनेमास। आई कम बैक एंड गिव यू द रिव्यू अगेन विद दिस घूमर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।